एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, फाइन एंड वेल। सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं काशिश की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन का। इसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, तकरीबन एक साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया। अपने ओल्ड चैनल पर मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसकी कवरेज कैसी है, इसमें शेड रेंज कैसी है, इसकी प्राइस कैसी है और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। सो अगर आप इस फाउंडेशन का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को देखना है लास्ट तक, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। सो टाइम वेस्ट के बगैर रिव्यू स्टार्ट करते हैं, कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग के बारे में। शाइनी कार्डबोर्ड बॉक्स है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, काफ़ी हाई क्वालिटी पैकेजिंग होती है काशिश की हर प्रोडक्ट्स की। फ्रंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका लोगो प्रिंटेड है, नीचे इन्होंने फाउंडेशन का नाम मेंशन किया है, ये इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन है। उसके साथ यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन है, इस पैक में आपको मिलती है 30 ml प्रोडक्ट। बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे इसके फाउंडेशन के इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, एक्सपायरी डेट मेंशन है जो कि बहुत ही कम है। इस फाउंडेशन की जो एक्सपायरी टाइम है वो है 12 months। अगर आप इस फाउंडेशन को ऑर्डर करते हैं तो आपको इस फाउंडेशन को एक साल के अंदर ख़त्म करना है। स्पेशली वो गर्ल्स जो कि इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, तो उनके लिए फाउंडेशन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही आउट क्लास हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा कम है, एक साल में आपका फाउंडेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टिकर दिया हुआ है जिसके ऊपर शेड नेम मेंशन है। मेरे पास जो शेड नंबर है ये है 10, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव, जो कि मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। अभी मैंने इसको अप्लाई भी किया हुआ है, रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ, देन बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी कवरेज कैसी है, इसमें शेड रेंज कैसी है। इस तरह से इसकी इनर पैकेजिंग है, फ्रोस्टेड ग्लास है, और पैकेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मैक की फाउंडेशन से। कैप जो है वो ट्विस्टेड है, इस तरह से आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये आपकी ऑन हो जाएगी, इस तरह से ऑफ हो जाएगी। और ये है कि ये वाला पंप जो है इसमें आपकी फाउंडेशन वेस्ट नहीं होती, जब तक आपका ये ट्विस्ट नहीं होगा आपकी फाउंडेशन बाहर नहीं आती बिल्कुल भी। फ्रॉस्टेड ग्लास है, हाई क्वालिटी है, अगेन यहाँ पे शेड नेम मेंशन है, काशिश का लोगो प्रिंटेड है और बैक साइड पे आपको इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इस फाउंडेशन की कवरेज के बारे में। एक होती है फाउंडेशन नॉर्मल टू मीडियम कवरेज, एक होती है मीडियम टू फुल कवरेज, बट ये जो फाउंडेशन है ये टोटली फुल कवरेज फाउंडेशन है। अभी मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं, इट्स ए फुल कवरेज फाउंडेशन, बट स्टिल आपके फेस पे अप्लाई करने के बाद ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी कोई केकी लुक नहीं देती, आपकी स्किन टोन पे जाके बिल्कुल सेट हो जाती है। और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन है, आप इसको कम से कम भी 10 से 12 घंटे तक वेयर कर सकते हैं, आपकी फाउंडेशन ख़राब नहीं होगी। और ये फाउंडेशन फुल कवरेज है तो पार्टी मेकअप में यू डोंट नीड टू यूज़ एनी करेक्टर और कंसीलर, लेकिन अगर आप इसको ब्राइडल मेकअप में यूज़ करते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है वो कंसीलर और करेक्टर ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्किन, कि आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं या कोई ऐसी डार्क पिगमेंटेशन है, कोई आपके पोर्स हैं जिनको आपको फिलअप करना है, तो फिर आपको 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज आपकी अगर स्किन बिल्कुल क्लियर है तो आपको किसी भी कंसीलर या करेक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इस फाउंडेशन के 2 पम्प्स को अप्लाई करना है एंड यू आर गुड टू गो। फाउंडेशन की प्राइस जो है, जब ये न्यूली लॉन्च हुई थी उस टाइम इसकी प्राइस थी 2500 एंड आफ्टर डिस्काउंट ये आपको मिलती थी 2000 में। अभी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, तो अब आपको इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 3000 और आफ्टर डिस्काउंट मिलेगी 2500 में विद 500 डिलीवरी चार्जेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो काशिश ने वाकई बहुत ज़्यादा रखे हैं, यानी कि आपको 300-400 की कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करनी है तो आपको पहले 500 जो है वो डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आपको 3-4 चीज़ें ऑर्डर करनी हो तभी आप उनके वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करें, अदरवाइज़ अगर आप कोई 300-400 की प्रोडक्ट ऑर्डर करें तो उसके ऊपर 500 डिलीवरी चार्जेस जो है वो पे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शेड रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो जब ये फाउंडेशन न्यूली लॉन्च हुई थी उस टाइम इनके पास शेड्स जो हैं वो बहुत कम थे, 5-6 शेड्स में ये फाउंडेशन अवेलेबल थी, जिसमें कुछ शेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेयर टोन में थे और कुछ शेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिंकिश टोन में थे। जैसे कि आप लोगों को पता है काशिश जो है वो अपने मॉडल मेकअप जो उनके होते हैं वो मोस्टली उनके पिंक टोन फाउंडेशन के साथ ही वो करते हैं,
अगर आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है तो फिर आप पिंक टोन फाउंडेशन को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। और अभी जो इनकी न्यूली जो इनकी रेंज आई है इस फाउंडेशन में, और डिफरेंट फाउंडेशन भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, उसमें आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंग हर शेड मिल जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ 5 to 6 शेड्स अवेलेबल थे इनके पास, जिसमें फेयर और पिंक टोन थे, लेकिन अभी इनके पास सारे शेड्स अवेलेबल हैं। आपकी फेयर कम्प्लेक्शन है, आपकी टैन स्किन है, आपको डार्क टोन चाहिए, आपको मीडियम टोन चाहिए, आपको नेचुरल टोन चाहिए, हर तरह का शेड जो है वो इस फाउंडेशन में अब अवेलेबल है। मैं ट्राई करूँगी, यहाँ कहीं स्क्रीन पे मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, अगर मुझे याद नहीं रहा तो आप लोग इनके पेज पे, इंस्टाग्राम पे या वेबसाइट पे जाके इस फाउंडेशन के जो सारे शेड्स हैं वो जाके देख सकते हैं, और अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फाउंडेशन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली वो गर्ल्स जो कि प्रोफेशनली वर्क कर रही हैं और आपको ब्राइड्स के लिए कोई अच्छा फाउंडेशन चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो, फुल कवरेज भी हो और आपके फेस को बिल्कुल भी केकी लुक ना दे और आपके स्किन पे बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाए, तो इस फाउंडेशन को आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बाकी लिंक्स वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा आप सबको पता ही होगा काशिश के जो ऑफिशियल पेज हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये रिव्यू आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आपने इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।